तो बच्चों वेलकम टू न्यू इंडियन एरा वंस अगेन। तो भाई बहुत सारे टॉपिक खत्म करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ऑसिलेशन पूरी तरह से निपटा दिया है। ऑसिलेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो दिख ही रहा है थंबनेल के ऊपर। टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जो मैंने दिया है। और तुम्हारे बुक में टॉपिक का नाम क्या दिया गया है? एसी सर्किट्स। क्या दिया गया है? एसी सर्किट्स। इसकी बात करेंगे डिटेल में। तो ये एसी का जो रियल लिखा गया है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या लिखते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट की खोज कैसे हुई थी, किसने बनाया था, क्या किया था, सबकी बात करेंगे। इसलिए आज अपना लेक्चर नंबर जीरो है। लेक्चर नंबर जीरो मतलब फुल ऑन बेसिक्स। सिर्फ बेसिक्स ही जानेंगे कि इसमें क्या हुआ। अगर बेसिक्स हो गया अपना आधे घंटे में तो हम लोग नया टॉपिक भी करेंगे। सोचना जैसे लेक्चर जीरो था, बेसिक्स लेने के बाद रिकॉर्ड क्यों हुआ आगे, तो बच्चों वो हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है। तो लेक्चर अभी कंटिन्यूस में मिलते रहेंगे, समझे बात। तो वो सीन आ गए हम लोग करंट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला मेन टॉपिक होगा करंट। तुम्हारे पास दो तरह के करंट पाए जाते हैं। एक होता है डीसी, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट। एक होता है एसी। ये तुम्हारे घर पे लगी है ना एसी, वो एसी नहीं भाई, वो एसी नहीं है। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके बाद की बात करें आके डायरेक्ट करंट क्या होता, तो याद करके लिख लो, कांस्टेंट करंट। ऐसा करंट जो वक्त के हिसाब से बदलता नहीं। अगर टाइम कितना भी जाए वो करंट नहीं बदलेगा, तो उस करंट को बोलूंगा डायरेक्ट करंट। तो ये तुम्हारे टाइम के एक्सिस है, ये तुम्हारे करंट के एक्सिस है। तो यहां करंट है, यहां टाइम है। अगर ग्राफ किसी ने पूछा कि ग्राफ कैसे आएगा, तो मैंने पहले ही कहा ना कांस्टेंट मतलब क्या, फिक्स, बदलेगा नहीं। तो पहले टाइम जीरो पे डायरेक्ट मान लेते हैं, टाइम जीरो पे ये 5 एम्पीयर था, ये पॉइंट मिलेगा। टाइम 1 सेकंड हुआ, अब देखो ये वाला पॉइंट मिलेगा, अभी भी 5 पे ये, वो फिर 2 सेकंड हुआ 5 पे ये। तो कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस करंट को ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। जो बदलता नहीं है उस करंट को ही बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जो अपना मेन टॉपिक है वो डायरेक्ट करंट का टॉपिक है ही नहीं, अपना मेन टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का। अब ये अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसा करंट जो फिक्स इंटरवल में बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। अगर कोई करंट कभी भी बदल गया मेरे भाई, तो वो करंट होगा वेरिएबल करंट। तो सर फिर वेरिएबल क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? वेरिएबल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वेरिएबल मेरे लिए काम का ही नहीं है। उससे कुछ मेरा काम बनने वाला ही नहीं। मैं दिखाता हूँ क्यों। अब मेरे फैन में, मेरे बल्ब में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है जो कभी भी बदल रहा है, कभी भी बढ़ रहा है, कभी भी कम हो रहा है। भाई ये क्या करंट है? इससे तो मेरा बल्ब फूट जाएगा, फैन खराब हो जाएगा, तो कुछ काम का है क्या? पर ऐसा करंट जो एक फिक्स इंटरवल में बढ़ेगा, फिक्स इंटरवल में कम होगा, उस करंट से फैन को दुखा नहीं होगा, वो फैन के लिए यूजफुल रहेगा, काम का रहेगा। तो जो एक फिक्स इंटरवल में बदलेगा, फिक्स इंटरवल में बदलेगा, उस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो दिखाते हैं। ये तुम्हारा करंट का है, ये तुम्हारा टाइम का है। अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है? फिक्स इंटरवल प्लस माइनस प्लस। सबको पता होता है कि जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो पूरा टाइम पीरियड टी होता है। यहां तक का पूरा टाइम पीरियड टी होता है। एक टी इंटरवल तक करंट दिख रहा है, पूरा टाइम पीरियड टी होता है। अगर ये पूरा टाइम पीरियड तुम्हारा टी है, ये ऐसे करंट टी है, दिख रहा है कि पहले टी हाफ में पॉजिटिव, नेक्स्ट टी हाफ में नेगेटिव। ये ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, समझ आई बात। अब अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट तो करंट है, सिर्फ वेरिएबल बताया था आपने, उसका ग्राफ कैसे आएगा? अरे भाई वेरिएबल का ग्राफ जरूरी भी नहीं है। अगर तो जानना ही वेरिएबल कैसा बनेगा तो देख, ऐसे बढ़ा, फिर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, कुछ भी होगा, ग्राफ कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि करंट कैसे बदल रहा है। तो ग्राफ का कुछ सेंस बनता है क्या? नहीं बनता सेंस मेरे भाई, उसको क्यों पढ़ रहा है? तो पढ़ी मत। अब सवाल मेन आता है कि एसी को कितना यूज करते हैं, एसी को कितना घिसा जाता है अपने इंडिया में या हर जगह पे?
बात चौंकने लगी तुम सुनने में, बहुत बहुत शौक लगेगा कि इतना सच है, रियल है ये। हाँ रियल दिखाता हूँ, क्यों बॉक्स में दिखाता हूँ बना के, क्योंकि बॉक्स वाली बात याद होनी चाहिए। वर्ल्ड में 99% से भी ज्यादा यूज करते हैं एसी, 1% से भी कम यूज करते हैं डीसी। क्या कहा? वर्ल्ड में 99% से भी ज्यादा यूज करते हैं एसी को, 1% से भी कम यूज करते हैं डीसी को। बहुत बड़ी बात है, अगर कोई चीज इतनी पॉपुलर हुई है, इतनी पॉपुलर हुई है, तो कुछ तो राज होगा। अब कोई भी चीज पॉपुलर होने के दो रीजन होते हैं, एक तो वो चीज सस्ती है या उस चीज को बनाना आसान है। बनाना आसान है, देखते हैं कैसे। अब पहले बात करते हैं कि एसी इतना पॉपुलर क्यों हुआ। पॉपुलर होने के हम लोग चार पांच रीजन लिखते हैं, चार पांच रीजन में तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है एक दो मार्क्स के लिए कि एसी इतना पॉपुलर क्यों हुआ। तो एसी के पॉपुलरिटी का रीजन क्या है, तो बात करते हैं फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन ये है कि एसी को बनाना आसान, एसी को बनाना बहुत आसान है। दिखाता हूँ कैसे। एसी को बनाने के लिए क्या करना है, तुम्हारे पास एक मैग्नेट रखना है, यहाँ एक मैग्नेट रखना है, बीच में एक कॉयल रखनी है, उस कॉयल को घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। अगर वो कॉयल घूम रही है तो उसके से जो करंट बनेगा ना, क्योंकि पता है मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉयल रखोगे तो कॉयल के अंदर एक करंट बनता है, करंट बनता है, तो उस करंट को ही बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। इसको बोलते हैं डायनमो। डायनमो जो मैजिशियन इम्पॉसिबल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डायनमो एक डिवाइस को ही बोलते हैं डायनमो, वो है अल्टरनेटिंग करंट। अब मुझे बताओ इसमें क्या ही है, इसलिए इसको बनाना बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है, इसलिए इसका कॉस्ट बहुत है। इसको बनाना आसान रहता है, उसकी कॉस्ट बहुत लो रहती है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है, चीप है, सस्ता है। सेकंड, इसकी लाइफ स्पैन, एसी जो टिकता है ना, सोर्स एसी का जो सोर्स टिकता है वो सोर्स 20 साल से ऊपर टिकता है। 20 साल, 20 ईयर्स, समझ में आ रहा है? जितनी तुम्हारी एज अभी नहीं है उससे ज्यादा वो टिकता है। क्यों टिकता है? अरे उसमें खराब होने के लिए क्या ही है, एक मैग्नेट है, यहाँ एक मैग्नेट है, बीच में एक कॉइल है। अब मैग्नेट खराब होने का चांस, कॉइल तो बस घूम ही रही है, तो खराब क्यों होगी? इस चक्कर में इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डीसी, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सवाल आता है डीसी। डीसी का सीन क्या है, जो डीसी को बनाना है, डीसी में यूज करते हैं केमिकल्स, बोला ना, तुम्हारे घर का रिमोट का सेल लो, उसको तोड़ो, अंदर कोलसा मिलेगा, तो ये केमिकल्स है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, टिक गया तो 3 मिनट टिकेगा, 6 मिनट टिकेगा बस, मैक्स टू मैक्स। अब कोई बच्चा सवाल नहीं पूछेगा, सर वो जो चार्जेबल बल्ब्स आते हैं वो तो डीसी के ही हैं, वो कैसे टिक रहे हैं इतने देर? बच्चा उनकी लाइफ स्पैन भी 2 साल ही होती है, उसके ऊपर वो भी टिक नहीं पाते। तो डीसी की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज हो गए, केमिकल्स एक वक्त के बाद खराब हो ही जाएंगे। गाड़ी की बैटरी देखी है, गाड़ी की बैटरी को कुछ वक्त बाद रिपेयर कराना पड़ता है, केमिकल को रिस्टोर कराना पड़ता है, ऐड कुछ भी करके, तो वो तुम्हारे केमिकल्स हैं, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है ही नहीं, समझे? इसके बाद ये हो गया। अब अगर दूसरी बात करें, अगर मुझे डीसी में डायरेक्ट करंट में मेरे रेजिस्टेंस मेरे वायर में, मेरे वायर में करंट है, वो करंट 10 एम्पीयर है, ठीक है, ये 10 एम्पीयर करंट है, इस करंट को मुझे कम करना है, करंट को कम करना है। तो तुम्हें पता है करंट को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मेन रीजन क्या होता है? हीट लॉस। क्या होता है? हीट लॉस। अब डीसी का सीन क्या है कि ये ऐसा करंट है, इसको मैं लंबी दूर तक भेज नहीं सकता, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करा नहीं सकता इसको। मैं दिखाता हूँ क्यों। बात सुनने में अजीब लगेगी, तुम लोग कन्फ्यूज यहाँ हो रहे हो कि जो घर पे आ रहा है वो कौन सा है, जो बाहर से आ रहा है वो कौन सा है। एक्सप्लेन करता हूँ, डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीसी में हीट लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, वायर बहुत गर्म हो जाएगी, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना पॉसिबल नहीं है। और एसी में हीट लॉस निग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो यहाँ थर्ड पॉइंट तुम्हारा ये आता है कि यार जो एसी का हीट लॉस है, हीट लॉस वो ना के बराबर है, निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल है, ना के बराबर, एकदम ना के बराबर हीट लॉस ये निग्लिजिबल है। अब दिखाता हूँ तुम्हारे घर पे का क्या सीन है, यहाँ का सीन क्या है। तुम्हारे घर के अंदर फैन, एसी, जो सब कुछ चल रहा है वो चल रहा है डीसी पे। जिस भी करंट को वायर से ट्रैवल किया जाएगा वो तुम्हारा होगा एसी,
और तुम्हारे घर में जो मीटर में सप्लाई आ रहा है वो वायर से आ रहा है क्या? नहीं ना, कोई तो एक मेन पावर प्लांट सप्लाई आ रहा है। तो जो सप्लाई मेन पावर प्लांट से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो तुम्हारा होता है एसी। सबने सुना भी होगा जो घर पे सप्लाई आती है वो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, इतनी ही आएगी सबके घर पे, कोई भी हो सबके घर पे इतनी ही आएगी। वो भले ही अंबानी जी क्यों ना हो, अडानी जी क्यों ना हो, उनके घर पे भी उतनी ही सप्लाई आएगी 220 वोल्ट की। इसके ऊपर कुछ नहीं, 220 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, सप्लाई उतनी ही आनी है बाय एट द एंड कुछ भी हो जाए। ये सीन अभी ये हो गया, हीट लॉस नेग्लिजिबल है। सेकेंड केस में अगर इसकी बात करें फोर्थ वाले की, मैंने बता रहा था उस पॉइंट को, अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट है 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर है, करंट मुझे कम करना है, तो करंट कम करना सुनते ही बच्चे बोलते थे रेजिस्टेंस ऐड कर दो, रेजिस्टेंस ऐड कर दो, रेजिस्टेंस ऐड कर दो तो करंट कम हो जाएगा। सिंपल बात है, करंट कम करना तो रेजिस्टेंस ऐड कर दो, करंट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक करंट कम कर देगा। अगर मान लो करंट बढ़ाना है, करंट बढ़ाना रेजिस्टेंस गायब कर दो, करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हाँ ना, पर इसमें सीन क्या है पता है? इसमें बहुत ज्यादा सीन है। मुझे करंट को अगर बढ़ाना है घटाना है तो रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सीन है। रेजिस्टेंस को ऐड करने में निकालने में नुकसान क्या है? हीट लॉस है ना, हीट लॉस बहुत होगा निकालने में, ऐड करने में हीट लॉस होगा ही होगा। पर मेरे पास एसी में रेजिस्टेंस को ऐड करना घटाने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग यहाँ यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखा है ना, ट्रांसफॉर्मर। अरे देखा है कि नहीं? अरे नहीं देखा ट्रांसफॉर्मर? नहीं देखा ऑप्टिमस प्राइम? अरे वो ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर अलग। ये ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर सकता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर सकता है। अगर मुझे लो को हाई करना है तो हम लोग यूज करते हैं स्टेप अप, स्टेप अप, विदाउट रेजिस्टेंस को बढ़ाए घटाए, विदाउट। अगर बढ़ाना है तो स्टेप अप, लो करना है तो स्टेप डाउन। क्या यूज करते हैं? स्टेप डाउन। लिखा है ये है, मुझे कुछ करना नहीं, रेजिस्टेंस को बढ़ाना घटाना है ही नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से मैं करंट को बढ़ा भी दूंगा कम भी कर सकता कर दूंगा। ये हो गया। अगर फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें, आखिर फिफ्थ का सीन क्या है कि फिफ्थ यूज क्या कर सकते हैं? अगर मुझे बताओ कि तुम्हारे घर पे सप्लाई जो आ रही है, सप्लाई कौन सी आ रही है? 220 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, वो सप्लाई आ रही है एसी। अच्छा, तुम्हारे घर में जो डिवाइसेस लगे हैं, तुम्हारा फोन वगैरह सारे डिवाइसेस लगे हैं, ये सब चलते हैं डीसी पे। तो तुम्हारे फोन और सारे डिवाइस में ऑलमोस्ट एक चीज लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या लगा होता है? रेक्टिफायर फोन की चिप में लगा होता है, रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के हेल्प से मैं एसी को डीसी में कर सकता हूँ। तो यार कितना आसान है, मैं मेरे एसी करंट को डीसी में कर सकता हूँ किसके हेल्प से? यूजिंग द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। सुना होगा सेमीकंडक्टर में, किसी ना किसी ने सुना होगा, जो सीएस के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो वो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की हेल्प से मैं एसी को डीसी में कर सकता हूँ। इन्हीं 5 रीजन की वजह से एसी आज इतना पॉपुलर है कि हम लोग इसको 99% से भी ज्यादा यूज करते हैं। देखो मुझे आ रहे हैं गूज़बम्स इतना सुन के, 99% से भी ज्यादा यूज करते हैं और 1% से भी कम यूज करते हैं। ये मेन रीजन है। इसके बाद अगर और सोचोगे कि यार एसी को अगर मुझे किसी ने पूछा कि तुम्हारे सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा है, वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, मैं दिखाता हूं ऐसे यहां करते हैं, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, किसी ने पूछा इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है बताओ, कितना करंट फ्लो हो रहा है बताओ। अब मैं उसको बताने के लिए क्या बताऊंगा? मेरे पास बताने के लिए रद्दी पर कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा करंट तो 0 से लेकर 10 तक जा रहा है, फिर 9, 8, 7, फिर 0 हो रहा है, फिर 10 तक जा रहा है। तो उसको क्या बताऊं कि सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? जल्दी बताओ कि मेरे पास एक ऐसा करंट है जो कंटिन्यूसली बदल रहा है, वो बदल रहा है, मतलब उसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूं तुम लोग को, तो ग्राफ ड्रॉ किया है एक मिनट पहले, फिर भी दिखा देता हूं। हाँ, ये ऐसा करंट,
ठीक है, ये करंट अब तुम्हारे लिए ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। अब सवाल ये आता है कि क्या करूं, करंट को रिप्रेजेंट क्या करूं, मेरा करंट शुरू हो रहा है जीरो से, दस तक पहुंच रहा है, फिर जीरो पे, फिर दस तक, फिर जीरो पे, ऐसा करंट यहां हो तो रहा है। अब करे तो करे क्या, बताओ क्या करें, क्या ढूंढ रहे मैम। चलो भाई मैं क्या बोल रहा था यार, क्या करंट है, ऐसा करंट है जो कंटिन्यूसली बदल रहा है। मुझे किसी ने पूछा कि भाई आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या बताऊंगा, जल्दी बताओ क्या बताऊंगा, कुछ बताने के लिए है मेरे पास, अरे कुछ है बताने के लिए, नहीं है ना। अगर कोई सोच रहा है सर 10 एम्पियर, नहीं ना बच्चा, 10 एम्पियर तो मैक्सिमम करंट बता रहा है। कोई सोच रहा है जीरो, नहीं ना बच्चा, जीरो मतलब क्या, कुछ करंट ही नहीं है, डिवाइस तो काम कर रहा है ना मेरा, 10 एम्पियर क्यों नहीं होगा, अरे 10 एम्पियर तो करंट मैक्सिमम हो गया, करंट तो बदल भी तो रहा है ना। तो इस करंट को मैं डायरेक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इक्वेशन का सहारा लेंगे, रिप्रेजेंटेशन। सहारा लेंगे इक्वेशन का, क्योंकि साफ साफ ऊपर दिख रहा है कि ये साइन कर्व कोसाइन कर्व बन सकता है, क्योंकि अगर आगे का ड्रॉ कर दूंगा तो कोसाइन बनेगा, फिर आगे ड्रॉ करूंगा साइन बनेगा, तो ये हो रहा है। तो मैं रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं, तो यहां पे मैं ले रहा हूं, देखो मैं सहारा तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि जो मैक्सिमम करंट है उसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो ये दिख रहा है मैक्सिमम करंट, दिख रहा है मैक्सिमम करंट, इस मैक्सिमम करंट का नाम दे रहा हूं, इस मैक्सिमम करंट का सिंबल होगा आई नॉट, क्या होगा आई नॉट। अब मुझे पता है कि मुझे इसकी हेल्प से दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है ये अगर आई नॉट मेरा मैक्सिमम करंट है, तो जो मेरा करंट होगा बताने लायक इक्वेशन जो सेट करूंगा, इक्वेशन को उसकी हेल्प से बताऊंगा कि करंट मैक्स टू मैक्स इतना रहेगा, तो इससे जो भी आएगा वो कमी आएगा, जो भी आएगा वो कमी आएगा, तो सारा उसका ही लूंगा। तो यहां मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये लिखा आई, ये लिखा आई नॉट, ये लिखा उसका साइन वेव, और ये लिखा उसका एंगल, ठीक है। अब ये करंट के लिए है तो वोल्टेज के लिए कैसे आएगा, इस पूरे टॉपिक में वोल्टेज का सिंबल दिखाएंगे ई से, किससे, ई से, पूरे टॉपिक में जो वोल्टेज का सिंबल आएगा वो आएगा ई से, वोल्टेज को फुल टॉपिक में ई से दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे, याद रहेगी बात, इस पूरे टॉपिक में वोल्टेज को ई से दिखाएंगे। आई होप सो बात कवर है। अगर मैं इसको कॉस में दिखा दूं तो भी एट द एंड कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि साइन और कॉस का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कोसाइन कर्व आ गया तो क्या करेंगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये आएगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। घबरा मत, ये ओमेगा क्या है सबकी बात करेंगे, मैं कहां जा रहा हूं या तुम कहां जा रहे हो। अब रिकॉर्डेड यहां तक देख लिया है तो आगे भी देखेगा और आगे भी मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। सबर कर बस, तो जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल का जवाब तुझे इस लेक्चर में मिल के रहेगा, क्योंकि तुम लोग जो सोचते हो उससे पहले ही मैं सोच चुका होता हूं कि बच्चे क्या सोचते हैं, तो क्या सवाल आ रहे होंगे, इसलिए। तो पहले बात करते हैं ये आई नॉट और ई नॉट की, हमने बात कर ली है पहले से ही, हमें आई नॉट और ई नॉट का नाम पता हो चुका है। अभी आई नॉट भी क्या है और ई नॉट भी क्या है, हमने कहा था आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, क्या है मैक्सिमम करंट, तो जो तुम्हारा फर्स्ट नाम रहेगा इसका ये होगा मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम के लिए और दो तीन नाम है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड पता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन, और दूसरा होता है पीक। ये सब के सब करंट की बात कर रहा हूं, अगर ई नॉट पूछ दिया तो लिख देना वहां पे वोल्टेज है। इसी तरह अगर ये हो गया है तुम्हारे पास ओमेगा दिख रहा है ना, तो इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई होप सो जिसने भी ये ऑसिलेशन चैप्टर देखा है उसको ये यूज टू हो गया है, और ओमेगा का फॉर्मूला सबको पता होता है, ये होता है 2π/T। 2π/T क्यों होता है, क्योंकि इस पूरे का टाइम पीरियड क्या होता है टी, और ओमेगा होता है 2π/T। अब 1/T तुम्हें पता होना चाहिए, 1/T होता है f, f क्या है फ्रीक्वेंसी,
एन लिखूं एफ लिखूं एट द एंड एक ही बात है मेरे भाई, तो मैंने एफ लिखा है, तो ये ओमेगा आ गया 2πf। आई होप सो तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, इसको भूलना नहीं, हम लोग यूज करेंगे इसको आधे घंटे में यूज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये ओमेगा टी लिख रहा है पूरा ओमेगा टी, इस ओमेगा टी का एक पूरा सा पर्सनल नाम है, आई होप सो देखते हैं कि किस बच्चे को आता है। जरा गैस करना कि ओमेगा टी का नाम क्या होगा, थोड़ा सा गैस मारना। ओमेगा टी हमने कहा था कि साइन के बाद जो भी आता है, क्या परफेक्ट गैस किया यार, उसको बोलते हैं फेज। हाय फेज, अभी ये टी बचता है और आई बचता है, सस्पेंस उसमें ही है। जो आई की बात करता हूं, आई का रियल मीनिंग क्या है, आई है तो करंट, आई है तो करंट, पर ये ऐसा करंट जो हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, तो इस करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। उसके बाद जो स्मॉल टाइम लिखा है वो तुम्हारा होगा इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। डन, इतना सब तुम्हारा नॉमेनक्लेचर है। देखो ध्यान से देखो, इतनी सारी बातें कर ली हैं, ये तुम्हारे एसी सर्किट्स का बेसिक्स है, इसमें सारा ये यूज होने वाला है, तो कुछ भी करके तुम्हें याद होना चाहिए। रहा सवाल टाइम पीरियड का, तुम्हें टाइम पीरियड पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो फुल साइकिल होगा, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जो होगा साइकिल, उस साइकिल को बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख के चाहिए तो टाइम पीरियड तुम्हें पता होता है, टाइम पीरियड जो क्या होता है 2π/ओमेगा, ठीक है ना, उसका एग्जैक्टली उल्टा वही चीज। तो ये मेन सीन है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, वो होती है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की, कितने साइकिल हो रहे हैं करंट के, वो तुम्हारा होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये टॉपिक की खास बात क्या है, इसकी भी बात करते हैं कि टॉपिक का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के लिए पूछता है, तो उसकी बात करते हैं। इस टॉपिक का वेटेज की अगर बात करें तो इसका वेटेज 5 से लेकर 6 मार्क्स है, और टॉपिक पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है, घबरा मत। जिसका मैथ स्ट्रांग है उसके लिए तो और भी अच्छा प्लस पॉइंट है, जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है उसके लिए मैं खड़ा हूं। जो भी चीज नहीं समझ में आएगी ऐसी कोई चीज तुम्हें होगी ही नहीं, गारंटी यार। मैथ्स मैं पूरा तुझे बादल बना बना के हर एक चीज बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ बात ये करनी है, टॉपिक के थोड़ा सा रिलेटेड बाहर जाना है, थोड़ा एसी की बात करनी है कि एसी की खोज क्या हुई थी, स्टोरी क्या थी, कैसे थी, जस्ट सुन लेना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुन लेना। एसी की बात करते हैं। अब सीन क्या है कि वर्ल्ड में 99% तक यूज करते हैं एसी को, उससे भी कम यूज करते हैं डीसी को। अब मेन सीन क्या है कि सबसे पहले स्टोरी सुनी होती है जो डीसी की खोज हुई थी। अब डीसी करंट को बनाया साइंटिस्ट था थॉमस अल्वा एडिसन। हिस्ट्री की बहुत फेमस वॉर है ये, फेमस वॉर, हिस्ट्री की बहुत फेमस वॉर है। एक है थॉमस अल्वा एडिसन वर्सेस निकोला टेस्ला, टेस्ला कार वाला नहीं, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। सब ने शायद से थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, बस कुछ बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने टेस्ला का नाम सुना है। जिन्होंने टेस्ला का नाम सुना है जरा कमेंट में बताना जरूर कि जिन्होंने टेस्ला का नाम सुना है क्या। मैं पहले ही बोल दूं टेस्ला कार का नाम नहीं है, टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है और रियल जेम है। मैं दिखाता हूं क्यों इतना खास, मुझे कितना पसंद क्यों है, बात करते हैं। अब ये जो वॉर है एडिसन, जो समय की बात है जो एडिसन सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट था डीसी का। अब सीन क्या है कि एडिसन ने बल्ब बना दिया था, डायरेक्ट करंट की बात हो गई थी। अब एडिसन अपने जमाने का बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था, किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि एडिसन का कोई बिजनेस भी था। तो एडिसन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बिजनेस बहुत सेट हो चुका था उस समय पे, डायरेक्ट करंट को लेके हर घर में बिजली जा रही थी, फैन बल्ब सब चल रहा था। तो इस समय स्टोरी में सीन क्या है कि इसी एडिसन की कंपनी में, इसी एडिसन की कंपनी में कोई एक लड़का था, बहुत थोड़े से कम एज का था उस समय पे, उस कंपनी में जॉब कर रहा था, उसका नाम था निकोला टेस्ला। अब निकोला टेस्ला के मन में कुछ तो ख्याल आया है, उसको समझ में आ गया है कि जो डीसी है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कुछ तो लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम हो जा रहा है, ज्यादा मैं यूज कर नहीं पा रहा हूँ।
तो ये बात ले क्यों चला गया एडिसन के पास, क्योंकि उसके पास कोई तो एक अल्टरनेटिंग सोर्स था करंट को बनाने का, उसके पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स था। उसने जाके अपना आइडिया बताया एडिसन को कि हाँ भाई अच्छा सा ये डीसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है नहीं, इसका कुछ तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसको मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है एक बार देख लो। अब एडिसन का बोलना बहुत ज़्यादा था, पर निकोला टेस्ला बोलता बहुत कम था, प्रैक्टिकल दिखाता बहुत था, बहुत प्रैक्टिकल दिखाता था, पूरा प्रैक्टिकल कि ऐसे होता देख, बोलना कम है कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये बात एडिसन को उसने बताई, वाह एडिसन इतना शरीफ था, हाँ मान लेगा भाई, आ जाओ हमारी कंपनी बंद करते हैं, मिलकर कंपनी शुरू करते हैं, ऐसा बोलेगा बात नहीं ना। सीन क्या हुआ कि जैसे ही निकोला टेस्ला ने उसको बताया कि तुम्हारे अल्टरनेटिंग सोर्स का करंट डीसी का मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, उस अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से इसका नाम पड़ गया अल्टरनेटिंग करंट, करंट को निकालने का एक अल्टरनेटिंग सोर्स, वो था अल्टरनेटिंग करंट। अब वो सीन क्या था कि कोई भी चीज़ को अगर ना मानने के दो रीज़न है इस स्टोरी में, दो रीज़न है। फर्स्ट एक रीज़न ये कि एडिसन ने पैसे बहुत लगा के अपना एम्पायर सेट किया है, हाँ तो यूं ही बात मान लूंगा पूरा एम्पायर बंद कर दूंगा, नहीं। सेकेंड रीज़न बॉस और एम्प्लॉय, ये भी नहीं। तो इस महाशय ने कंपनी से निकाल दिया, एडिसन ने टेस्ला कंपनी से निकाल दिया, टेस्ला ने बाहर किसी से लोन उठा के कुछ तो करके अपनी कंपनी स्टार्ट होने के बाद उसने करंट प्रोवाइड करना शुरू किया लोगों को, लोगों को करंट शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसको तकलीफें आई। अब एडिसन को लगा कि कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है, क्योंकि यार एसी बहुत सस्ता चीप और डीसी बहुत महंगा, तो कॉम्पिटिटर बढ़ने लगा। तो इसने क्या कर दिया, एडिसन ने निकोला टेस्ला पे बैन लगा दिया कि मेरे बनाए हुए बल्ब, एडिसन ही बल्ब बनाया था, मेरे बनाए हुए बल्ब निकोला टेस्ला यूज नहीं कर सकता। अब ये शॉकिंग न्यूज है, मेरे बनाए हुए बल्ब निकोला टेस्ला यूज नहीं कर सकता, ये वही कहावत है एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, समझे। तो इस चक्कर में उसने ये बात बोली। अब वो इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट बिना बल्ब के काम कैसे करे, इसमें ट्विस्ट क्या हुआ कि निकोला टेस्ला ने विद इन वन मंथ मुझे अप्रोक्सीमेटली महीना याद नहीं है विद इन वन मंथ या डेढ़ महीना सा कुछ था मंथ, उस वन मंथ ने 10 times मोर बेटर बल्ब बना के दिखाया था एज कम्पेयर टू एडिसन, 10 times मोर बेटर। जो देखा ऑरेंज कलर बल्ब दिखते ना हमारे घर पे, ऑरेंज वाले बल्ब, वो उसकी ही देन है, ऑलमोस्ट वैसे ही बल्ब उसने बनाए थे। अब यहाँ तक स्टोरी एंड नहीं हुई, एंड यहाँ तक हुई नहीं। अब एडिसन ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि एसी की वजह से लोगों की जान जा रही है, हालांकि ये थोड़ा सा राइट था, राइट मतलब क्या, लोगों की जान नहीं जा रही थी, पंछी जानवर की जान जा रही थी, क्योंकि उस समय पे ना वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी था ना, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ उस समय पे हैंडल करना मुश्किल था, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी बर्ड्स को तो सहन हो नहीं पाता, याद है ना। पर लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, क्यों इग्नोर किया पता है, क्योंकि कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही ना, तो किसी जानवर की जान जा रही उस समय पे लोगों को ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि अगर डीसी की कॉस्ट मुझे 500 रुपये पड़ रही है और मुझे एसी 50 रुपये में मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ एसी को, इस चक्कर में ये हो गया। और डीसी में डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है, दिखाता हूँ डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि डीसी लॉन्ग टर्म के लिए तो यूज़ नहीं कर पाई, ये एक डिफेक्ट। और डीसी ना सिर्फ शहर में, सिटी में रह गया, विलेज साइड में जा नहीं पाया, क्यों, क्योंकि अगर सिटी में मैं प्लांट खड़ा कर रहा हूँ तो मेरे पास यूज़ करने के लिए लोग हैं, मैंने प्लांट खड़ा करने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट लगाया, जब तक यूज़ करने वाले लोग नहीं आएंगे, उपभोक्ता नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा हिंदी हुई यार, यूज़ करने के लिए लोग नहीं रहेंगे तो मुझे इनकम जो डाली वापस कैसे आएगी। इसलिए विलेज साइड में इसलिए प्लांट कभी खड़ा ही नहीं किया, क्योंकि यूज़ करने के लिए वहाँ लोग ही नहीं है, इसलिए गाँव साइड में बिजली पहुँच नहीं पाई, वहाँ अटक गया। अब एसी का सीन ऐसा था ही नहीं, प्लांट कहीं डाल दो दुबई, दुबई से इंडिया ज़्यादा हो गया, प्लांट कहीं 2-3 किलोमीटर दूर डाल दो, वहां से बिजली यहां तक आराम से भेज देंगे विदाउट हीट लॉस, समझे। इस चक्कर में बहुत 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 तक खेल चला है। आखिर में जब एडिसन का जब बात हो रहा था, तो एडिसन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसके नाम पे 6,000 पेटेंट थे, पेटेंट मतलब नए इन्वेंशन। अब निकोला टेस्ला के नाम पे 8,000 पेटेंट उसके नाम पे भी थे, ऑलमोस्ट इतना था। अब जब निकोला टेस्ला की जब आखिर डेथ हुई, तो किसी होटल में मरा हुआ पाया गया, किसी होटल में मरा हुआ पाया गया, एट द एंड खाने के उसके लाले पड़ चुके हैं, खाने के लिए कुछ था नहीं, मर चुका है, शायद से किसी को पता ही नहीं कि इसकी डेथ हो चुकी है, 2 दिन तक किसी को आइडिया ही नहीं कि ये मर चुका है। ऐसे हर एक साइंटिस्ट की डेथ ऐसे अजीबोगरीब हुई है। तो ये था अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन, आई होप सो तुम्हें इंट्रोडक्शन में मजा आया होगा। अब इस टॉपिक की बात करते हैं, तो एक बार तुम लोग एक बार बस स्लाइड देख लो कि तुम्हारे लिए फर्स्ट था एसी और डीसी का, पॉपुलरिटी का रीज़न,
और ये तुम्हारा यूजफुल चीज है। समझ में आ रहा है? ध्यान से की चीज याद करना, मैं 10 बार तुम्हें पूछूंगा आई क्या है, आई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है। आई तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट तुम्हारा मैक्सिमम करंट, ओमेगा तुम्हारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा टी तुम्हारा फेज और टी तुम्हारा इंस्टेंटेनियस टाइम। तो एक बार जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हटता हूं। आई होप मेरे भाई तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो यार लेक्चर का बेसिक्स वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, अब थोड़ी डिटेल की बात करेंगे। अब थोड़ी डिटेल की बात करेंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में करने हैं, किन किन मार्क्स के टॉपिक्स हैं, उसकी बात करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। चलो तो तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक इस टॉपिक में देखने वाले हो वो है मीन लाइफ, मतलब मीन करंट। करंट की बात करेंगे ना, तो मीन करंट हो सकता है या मीन वोल्टेज, एक ही बात है। मीन करंट पूछे या वोल्टेज पूछे, एक ही बात है, निकालना वैसे ही है। सेकंड, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट हो सकता है या वोल्टेज, एक ही बात है। रूट मीन स्क्वायर करंट हो या वोल्टेज हो, एट द एंड एक बात। थर्ड वाला, बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एसी, सॉरी इंडक्टर, कैपेसिटर और तुम्हारा जो फेवरेट होता है वो है रेजिस्टर एंड रेजिस्टर। और इसके बाद तुम्हारा शुरू होगा, उसको बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं? फेजर। फेजर याद रखना। फिफ्थ तुम्हारे पास आएगा एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ओनली रजिस्टर, ओनली रजिस्टर ये रहेगा। फिर इसका कॉपी रहेगा सिक्स्थ वाला, एसी वोल्टेज ओनली, एसी वोल्टेज लिखता हूं, यहां लिखता हूं रजिस्टर हो गया। तो ये तुम्हारा आएगा इंडक्टर। क्या आएगा? इंडक्टर। और इसके बाद सेवन जो आएगा वो आएगा एसी वोल्टेज कैपेसिटर। तीनों सबका नाम बताएंगे, इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, रजिस्टर क्या है बताएंगे। जो एट हमें पढ़ना है वो तुम्हारा आएगा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन में, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर आएगा सीरीज में। तो इसको नाम देते हैं हम लोग, ये रजिस्टर का सिंबल आर, ये सिंबल इंडक्टर का सिंबल और ये सिंबल कैपेसिटर का। तीनों आ गए सीरीज में। रजिस्टर इंडक्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है एल, इसको बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल के लिए बताना जरूरत नहीं है, बताऊंगा उस वक्त। तीनों आएंगे सीरीज में, इसको बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलसीआर। क्या लिखा है बुक में? एल एलसीआर, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, ये हो गया। अब तुम्हारे पास आता है पावर। क्या आता है? पावर। पावर एक की नहीं, चारों की। चार कौन से बोल रहा हूं सर आप? चार देखे हैं तुम लोग ने यहाँ पे, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर। तो ये आएगा रजिस्टर, ये इंडक्टर कैपेसिटर और तुम्हारा एलसीआर। सबकी पावर निकालनी है तुम्हें। आर रजिस्टर है, एल इंडक्टर है और सी कैपेसिटर है। एल का बात करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिलहाल सुन लो बस, आगे एक्सप्लेन करूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। इसके बाद तुम्हारा यहाँ खत्म होने के बाद यहाँ तुम्हारा ये एट था, ये नाइन्थ होगा। जो टेंथ तुम्हारा शुरू होता है वो होता है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ के हैं ऑसिलेशन में। तो तुम्हारे पास दो तरह के आता है रेजोनेंस, एक आता है सीरीज रेजोनेंस और एक तुम्हारा आएगा पैरेलल रेजोनेंस। एक है सीरीज और एक है पैरेलल। इसके बाद इलेवेंथ वाला जो टॉपिक आता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक आते हैं वो ज्यादा करके इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं क्योंकि हम बहुत कम पूछते हैं, वो तुम्हारा आता है शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की शार्पनेस की बात करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद इसको ही बोलते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। और जो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, उसको बोलते हैं चोक कॉइल, चोक कॉइल। जो लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचेगा वो आता है एलसी ऑसिलेशन,
ये टॉपिक तुम्हारे बुक में थ्योरी है, पूरी तरह से थ्योरी है और पूछने के चांस ज्यादा होते हैं थ्योरी में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लो, पूछ गया तो पूछ लेगा। रहा सवाल इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए फेजर डायग्राम होते हैं, ये एक एक मार्क्स के लिए पूछता है और लिखा है सीरीज पैरेलल रेजोनेंस, ज्यादा करके सीरीज पूछता है तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पावर, पावर ज्यादा करके पूछेगा तो इसका पूछेगा और इसका पूछेगा, इसका क्यों नहीं पूछेगा क्योंकि इसका पावर जीरो आ जाएगा दोनों का, और दिखाऊंगा समय पावर इसका पूछता नहीं है, उतना नहीं पूछेगा ठीक है। अभी उसके अलावा जो पूछता है वो आरएमएस पूछ सकता है, दो मार्क्स के लिए पूछ सकता है ये भी आरएमएस वाला पार्ट, और चार मार्क्स के लिए अगर कोई पूछेगा तो ये पूछेगा, चार मार्क्स के लिए अगर किसी ने पूछा तो यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। टॉपिक बहुत छोटा है, टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजी है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, सच में टॉपिक बहुत इजी आएगा, हर एक चीज माशाल्लाह बहुत बढ़िया तरह समझ आएगी, फिक्र की कोई बात ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, अब तक हर चीज समझ में आई है ऐसा मैं मानता हूं और आगे बढ़ता हूं। चल जो फर्स्ट टॉपिक अपना है मीन, मीन को ही बोलते हैं एवरेज, तो लिखता हूं हेडिंग अपनी एवरेज और मीन करंट, क्या निकालना है एवरेज और मीन करंट, आखिर सवाल आ रहा है कि क्यों निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यह आ गया ग्राफ, हाँ बस यह आ गया और एक ग्राफ लाइन, डन ये आ गया। अभी ग्राफ ड्रॉ कर लो अल्टरनेटिंग करंट का, तो तुम्हें ग्राफ पता है कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है ठीक है। अरे साफ बनाना, साफ भी नहीं बन रहा है, आलो जिंदगी में साफ कम है क्या, बहुत साफ है, उस तरीके के साफ मत सोचना। दुनिया हसीनों का मेला, एक दोस्त ढूंढता, ये है और ये है ठीक है। पूरा टाइम तुम्हें पता होता है कि पूरा टाइम कितना है, टी है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये तुम्हारा एसी करंट का ग्राफ है। सवाल ये आता है कि हमें एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई, दिखाता हूँ क्यों। अगर मेरे सर्किट में कोई तो करंट फ्लो हो रहा है और वो है अल्टरनेटिंग करंट, अब ये करंट हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, उसको बताने के लिए क्या बताऊं, कुछ है बताने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो क्या दिमाग लगाएंगे पता है, हम जितने मेरे पास करंट रहेंगे सारे करंट को ऐड करूंगा। मान लो तुम्हारे पास पांच करंट है, ये आया फाइव, ये थ्री, ये टू और ये वन, सबको ऐड करूंगा डिवाइड बाय फोर, तो कुछ तो नंबर आएगा, एवरेज बोलते हैं इसी चीज को, एवरेज बताऊंगा उसको। देखो मैं बोलता हूँ एग्जांपल, एवरेज का इतना सारा क्यों लेते हैं हम लोग, अगर एक मेरा दोस्त, अगर मान लो कि मैं किसी को बोलता हूँ कि मान लो तन्मय है, तन्मय ऐसा एग्जांपल है, तन्मय है, तन्मय अपने घर से कॉलेज आ रहा है ठीक है, कॉलेज आ रहा, उसको मैंने पूछा कि तेरे बाइक किस, तो बाइक से आ रहा था, उस बाइक की स्पीड कितनी थी, तो कितने स्पीड से कॉलेज आया, वो बोल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अब 55 किलोमीटर पर आवर, अब 55 किलोमीटर पर आवर उसने बोला मुझे, पर मुझे पता है तन्मय ये जो स्पीड बता रहा है ये एक स्पीड कौन सी बता रहा है, मैं दिखाता हूँ कौन सी स्पीड है। तन्मय इतना शरीफ बच्चा है नहीं, कोई भी शरीफ इतना नहीं है, क्या रास्ता खाली होगा तो मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा नहीं, बेटा बढ़ाऊंगा, रास्ता भर गया होगा ट्रैफिक रहेगा तो 55 मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो बच्चा स्पीड बता रहा है मुझे वो ऑन एन एवरेज बता रहा है, घर से आता तक मैंने बहुत बार स्पीड बदली है, सारे स्पीड को ऐड किया है डिवाइड बाय मैंने टाइम से किया है, उस समय के लिए जो स्पीड आई है वो मेरी स्पीड थी, तो ये एवरेज तुम्हें हेल्प करता है। तो मेरे पास जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, एवरेज, सारे करंट को ऐड करूंगा डिवाइड बाय उसके टाइम से, जितने के लिए ऐड कर रहा हूँ उससे डिवाइड करूंगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, तो उसको बताने के लिए आसान रहेगा ठीक है। अब एवरेज निकालते कैसे हैं वो देखो, एवरेज निकालते कैसे हैं वो देखो, ये लिखा आई एवरेज, क्या लिखा आई एवरेज, पहले तुम्हारे लिए लिखते हैं करंट का इक्वेशन, जो करंट का इक्वेशन है वो है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तुम लोग कॉस लोगे तो भी गलत नहीं है, राइट ही होगा,
फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस और साइन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है वो, कॉस साइन में ज्यादा चेंज होगा नहीं, सेम बात है। पर अगर मैं साइन से करूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि साइन तुम्हारे बुक में किया गया है, तो इसलिए मैं भी साइन से करूंगा, समझे बात। तो करते हैं स्टार्ट, एवरेज की बात करते हैं, एवरेज तो ये लिखा आई एवरेज, ठीक है। अब सीन क्या है, मेरे पास जितने भी इंस्टेंटेनियस करंट रहेंगे सारे करंट को ऐड करना है, तो ये लिख दिया आई। पर मेरा सवाल ये है मेरे पास कितने करंट है, मुझे देखिए बताओ मेरे पास कितने करंट है। मेरे पास चार मार्क्स थे, चारों मार्क्स को ऐड किया, डिवाइड बाय फोर किया, ठीक है। पर सवाल ये है कि मेरे पास कितने करंट हैं, पता है क्या? नहीं ना। अरे करंट तो हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, तो मेरे पास इनडेफिनाइट वैल्यू होंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू होंगे यार। एक सेकंड पे 1.1, दूसरे सेकंड पे 1.2, तीसरे सेकंड पे 1.3 एम्पीयर, तो करंट तो हर सेकंड बदल रहा है, तो मुझे 1000-1500 वैल्यू मिलेंगे, सबको ऐड कैसे करूंगा? ऐड कर तो लूंगा, पर पता तो होना चाहिए कितने वैल्यू हैं। तो कितने वैल्यू है ये मुझे नहीं पता ना, पता है क्या? नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि वैल्यू कहाँ तक होंगे, है ना, मुझे इतना पता है कि वैल्यू कहाँ तक होंगे कि मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने सारे वैल्यूज को ऐड करना है, तो क्या इस्तेमाल करूंगा? इंटीग्रेशन। ये आ गया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, जीरो से लेके टी तक। तो ये आ गया जीरो से लेके टी तक, ऐड करना किसको है? इंस्टेंटेनियस करंट को। तो ये आ गया आई। पर इंटीग्रेशन कभी भी सिर्फ एक्स वाई नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ एक्स पता ही नहीं पाओगे, सॉल्व होगा ही नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ जेड, इल्ला पॉसिबल नहीं है भाई। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, उसका वेरिएबल चाहिए होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, दिमाग चमक गया। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, दिमाग चमक गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, चमक गया। इसका पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, उसका पॉसिबल नहीं है। पर अगर यहाँ डी एक्स लिखा है तो लिमिट एक्स की आती है, डी जेड लिखा है तो लिमिट जेड की आती है, डी वाई लिखा है तो लिमिट भी वाई की ही आती है। तो यहाँ चेक करते हैं अभी सीन क्या है। पर यहाँ मेरे पास ऑलरेडी टी है, तो मतलब जो वेरिएबल आएगा वो भी टी ही आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया डी टी। क्या लिख दिया? डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। डी टी लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि बहुत स्मॉल समय है, बहुत स्मॉल समय। अब ये एवरेज हुआ क्या, जरा सोचो, ये एवरेज हुआ क्या, जरा ध्यान सोचो, ये एवरेज हुआ क्या? एग्जैक्टली ये एवरेज नहीं है, जस्ट एन ऐड है, सिर्फ ऐड किया है। एवरेज नहीं यार, सिर्फ ऐड है। एवरेज इसको बोलते हैं कि जिसको ऐड किया है उससे डिवाइड भी करो। तो सबको मैंने ऐड किया है सिर्फ, अब डिवाइड भी करना है। डिवाइड कितने को किया है? टी तक से सबको डिवाइड किया है, तो डिवाइड कर दिया टी से। ये तुम्हारा है एवरेज, ये तुम्हारा है एवरेज। तो अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस वन बाय टी को कोने में लिखो, ऐसे लिख के दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। तो ये आ गया आई एवरेज, ये वन बाय टी कोने में, ये जीरो से लेके टी आई डी टी। जानबूझ के मैं मिस्टेक चाह रहा हूँ, तुम लोग मिस्टेक करो, देखते हैं क्या होता है। अब तुम लोग आई की वैल्यू पुट करोगे, I not sin by put करोगे, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। तुम्हारे पास दो मिनट का वक्त है, दो मिनट का वक्त है, दो मिनट का वक्त दिया गया है, और सॉल्व करके देखना कि आंसर आता है कि नहीं आता है। एक मिस्टेक सबसे होगी, सबसे होगी, चाहता हूँ कि मिस्टेक हो, अभी होगी आगे नहीं हो सकती, इसलिए ध्यान से करो। पॉज करके सोचा है तो मैं स्लाइड स्टार्ट करता हूँ, बढ़िया है। अगर पॉज करके सोचो तो मेरा वक्त बच जाएगा, बढ़िया। अरे इसका एवरेज तुम्हारा निकल ही नहीं पाएगा, एवरेज जीरो आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा? जीरो। और एवरेज कभी जीरो पॉसिबल नहीं होता। सवाल मन में आना चाहिए कि इसका एवरेज जीरो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, मुझे बताओ। जरा डायग्राम में देखो इसका एवरेज जीरो क्यों हो रहा है, जल्दी बताओ। तो पता होना चाहिए कि एवरेज जीरो कब होता है। ये आया प्लस थ्री, ये आया प्लस फोर, ये माइनस थ्री और ये माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर। प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर, जीरो बाय फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये एवरेज जीरो आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है कि एवरेज क्या हो जा रहा है? जीरो। चेक करो कि एवरेज जीरो क्यों हो जा रहा है, एवरेज जीरो क्यों हो जा रहा है, चेक करो। चेक करने आई होप सो तुम्हें आता होगा।
ठीक है, चेक करो तुम लोग खुद बताना मुझे कि एवरेज जीरो क्यों आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले जीरो है तो यहाँ वन होगा, तो यहाँ भी वन है पर ये माइनस वन है, यहाँ प्लस टू यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस थ्री यहाँ माइनस थ्री, यहाँ प्लस फोर यहाँ माइनस फोर, यहाँ प्लस फाइव यहाँ माइनस फाइव, ये डायरेक्ट पीक वाला प्लस सिक्स यहाँ माइनस सिक्स। अब प्लस वन माइनस वन जीरो, प्लस टू माइनस टू जीरो, प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो, सबका एट द एंड जीरो। अब सोचो नीचे कैसे आएगा, ले ना प्लस फाइव माइनस फाइव, प्लस फोर माइनस फोर, प्लस थ्री माइनस थ्री, माइनस टू प्लस टू, सबका एवरेज जीरो हो जा रहा है। और ये सबका एवरेज जीरो हो जा रहा है पूरे साइकिल का, इसलिए हम लोग पूरे साइकिल का एवरेज निकालेंगे ही नहीं। क्या कहा, एवरेज हम लोग पूरे साइकिल का निकालने वाले ही नहीं है, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एवरेज फुल साइकिल का निकालेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, लिख के दिखाएंगे उसको कि एवरेज फॉर फुल साइकिल, एवरेज एवरेज निकालना नहीं, काम खत्म हो गया ना, एवरेज फॉर फुल साइकिल ऑफ एवरेज फॉर फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इतना लिख के छोड़ दो, अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो, ठीक है इतना लिख के छोड़ दो, सॉल्व करना ही। अरे एवरेज जीरो तो सॉल्व क्यों करना है, यहां से लिख के यहां तक छोड़ दो, हो गया खत्म। आई ना जी, कैसे पॉसिबल है भाई, इतना सा तो काहे मॉक मार्क्स देगा वो, तो यार एवरेज पूरे हाफ साइकिल का, पूरे साइकिल का जीरो है, मैं पूरा निकालूंगा ही नहीं, मैं हाफ का निकालूंगा, इसका निकालूंगा हाफ का। अब पूरा टाइम कितना है, टी है तो हाफ कितना होगा, टी बाई टू, तो टी बाई टू तक जितने करंट है सबको ऐड करूंगा, इस बार कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, तो मेरा काम बच जाएगा। तो ये स्टेप को मुझे यहाँ लिखना है, तो दिखाता हूँ, एक बार लिख के, मुझे क्या ही टेंशन है नहीं। यहाँ देखो ये तुम्हारा आ गया है आई एवरेज, नीचे लिखता हूँ, ये आ गया आई एवरेज। खेल समझ गए कि आई एवरेज का मतलब क्या है, जितने भी तुम्हारे पास करंट रहेंगे सारे करंट को ऐड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टी बाई टू तक, और ये डाल दिया डी टी। अब ये सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है, डिवाइड भी करना है, डिवाइड किससे करना है, टी बाई टू से, तो ये डिवाइड भी हो गया टी बाई टू से। अब बचता क्या है, अब बस सॉल्व करना है इस चीज को, अब मेरा फिजिक्स यहाँ खत्म होता है, अब सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या, बचता है मैथ्स, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, मैथ्स। तो सॉल्व कर देते हैं मैथ्स को, काही टेंशन है, मैथ्स सॉल्व करने में आता है, अच्छे से आता है, नहीं घबराना नहीं, लड़ना नहीं, बोलना नहीं, हंसना नहीं, सुनना बस, सॉरी हंसना क्या बोल रहा हूँ, डरना नहीं। ये टी बाई टू नीचे ऊपर जाने के बाद टू बाई टी है ना, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी बाई टू तक, और ये तुम्हारा आय डी टी। अब आय तुम्हारे पास तैयार है, आय कितना है दिख रहा है, कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया टू बाई टी, ये जीरो से लेके टी बाई टू तक, और ये आय का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये तुम्हारा डी टी, ये लिख दिया। अभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, पर निकाल नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ आई नॉट निकलेगा, ओमेगा साइन के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे, साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स, टू एक्स सब कांस्टेंट है, अगर बोलता हूं सर टू और एक्स कांस्टेंट है, ले लो बाहर, अगर किसी ने टू एक्स कॉमन लिया ना, टू एक्स कॉमन लिया तो यहां बचेगा क्या, साइन प्लस कॉस बचेगा, अगर किसी ने सच में टू एक्स कॉमन लिया ना, तो मैं बोलूंगा कि मैं यहां से एस कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा, एस, मैं दिखाता हूं क्यों, ऐसे साइन टू एक्स लिखा है प्लस ये कॉस टू वाई लिखा है, ठीक है। अब किसी ने बोला सर टू कांस्टेंट है, टू बाहर निकाल लो, तो ये टू अगर मैंने बाहर लेने का किसी का मन किया, सच में बोल रहा हूं कि मैंने ये एस कॉमन ले लेना है,
लूंगा इस भार में। अगर तुम लोग टू निकाल सकते हो तो मैं एस भी निकाल सकता हूं। नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एंगल में जुड़ा हुआ है मेरे भाई, वो एंगल में जुड़ी हुई चीज को मैं हाथ लगा नहीं सकता, उसको बाहर निकाल नहीं सकता, समझा? तो इस बात को याद रखना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आई नॉट कॉन्स्टेंट है। आई नॉट क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि मैक्सिमम करंट है, किसी भी चीज की मैक्सिमम चीज फिक्स रहती है, उतना ऊपर जाएगा ही वो, तो क्या हो गया कॉन्स्टेंट। और मैं क्या, उसकी फ्रिक्वेंसी, एक सेकंड में 10 साइकिल जा रहे हैं, 10 साइकिल पास हो रहे हैं, तो 10 सेकंड ही जाएंगे ना, 10 साइकिल ही जाएंगे ना, तो फिक्स चीज है वो, बदलने वाले नहीं है। क्योंकि टाइम पीरियड अगर फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। अरे ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T ना, 2π/, देखो लेफ्ट हैंड में लिख रहा हूँ, 2π/T। अब टाइम पीरियड अगर फिक्स है तो 2π तो 55 से कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट ही हो गया ना। ओमेगा भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट ही हो गया, इसलिए वो भी कॉन्स्टेंट ही है। अभी भार आ सकता नहीं है ओमेगा, पर वो कॉन्स्टेंट है जरूर। आई नॉट भार आ गया, यह आ गया 2I0/T, यह आ गया 0 से लेके T/2 तक, यह आ गया साइन ओमेगा टी और ये dt। हाँ, अब जो अब तक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं उनके लिए एक हिंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, बच्चे गलत जवाब देंगे। सर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ना नहीं नहीं नहीं। डेरिवेटिव करते वक्त याद रखना हिंट क्या होती है, डेरिवेटिव करते वक्त सारे सी वाले हराम खोर होते हैं, सारे के सारे सी वाले हराम खोर होते हैं, सबका आंसर नेगेटिव आता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है? सबका आंसर नेगेटिव, पर इंटीग्रेशन में अकेला साइन ही अजीब है, साइन ही हरामखोर है। हरामखोर वर्ड को इग्नोर करना, ऐसे ही कहा है याद करने के लिए, तो बोल दोगे सर फाउल लैंग्वेज आपकी, बच्चे बोलते हैं ऐसे, तो वो सीन है। क्यों है वो? क्योंकि वो पूरी तरह साइन ही है, याद करने के लिए हिंट दिया है। तो इसका आंसर क्या आता है? माइनस। तो ये आया आई एवरेज 2I0/T, ये आया इंटीग्रेशन इसका, लिमिट डाल दो ना बाद में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन। अगर तुम्हें माइनस साइन यहाँ नहीं चाहिए, इसके अंदर ही चाहिए, तो लिख लो माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आया 0 से लेके T/2 तक। बच्चों के मन में दो सवाल आ रहे हैं अजीब वाले, वो सवाल आखिर आना नहीं चाहिए, सर ये dt कहाँ चला गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी किया, dt कहाँ चला गया? जिसके मन में सवाल आया उसको ध्यान से एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि 12th का आखिर तक पहुंच चुके हो तो इतनी बात पता होनी चाहिए, वो मैथ्स हो या ना हो, ठीक है? अब dt कहाँ गया इसको बताना है, तो यार dt आया था सिर्फ ये बताने के लिए कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ x^n dx का फॉर्मूला, x^n+1/n+1, dx कहाँ गया? तब पूछा क्या? नहीं पूछा ना, तो अब सवाल क्यों आया दिमाग में? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये बताने के लिए आता है, इसके अलावा नहीं आता, ठीक है? अभी माइनस बाहर ले लेते हैं, पर इस चीज में एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, जो एक चीज ऑलमोस्ट भूल गए जाते हैं बच्चे, इसलिए पहले ही मैंने बादल बनाया, पहले ही मैंने बादल बना दिया। तुम सोच के बताओ कि इसमें क्या मिसिंग है, जल्दी बताओ क्या मिसिंग है इसमें। उम्मीद मैथ्स वाले बच्चों से, नीट वाले बच्चों से नहीं है, क्योंकि नीट वाले बच्चों का मैथ्स उतना होता नहीं। अगर नीट वाले बच्चों को भी ये आ रहा है तो उसके लिए तालियां बजती हैं, अगर जेई वालों के लिए, जेई वाले बच्चों को, अगर मैथ्स वाले बच्चों को नहीं आ रहा है तो उसके लिए डबल तालियां बजती हैं, ठीक है? मैं दिखाता हूं क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, ये आएगा कॉस 2x, अगेन 2x वैल्यू करना पड़ता है, आपसे बताओ साइन 2x क्या होता है, कॉस 2x, अगेन 2x डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो ये आया डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है, 2 आ गया बाहर, तो ये आ गया कॉस 2x इनटू 2 dx/dx, तो dx dx कट गया, ठीक है? अब बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, क्या आएगा? साइन 4x, तो ये आएगा तुम्हारा कॉस 4x, अगेन 4x का डेरिवेटिव, तो 4 आएगा बाहर, ये आएगा dx/dx कट जाएगा, तो ये आएगा 4 cos 4x,
है ना, ऐसे कुछ भी आ जाए cos 9x, तो ये आएगा माइनस साइन 9x और 9x का और एक बार डेरिवेटिव ऑफ 9x, तो 9 आएगा बाहर, तो ये आएगा 9 dx बाय dx, तो ये आएगा माइनस साइन 9x 9, है ना, इतना आएगा। अब इसमें सीन जरा हिंट कोई दिखे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x into 2 आ रहा है, देख रहा है साइन 4x into 4 आ रहा है, cos 4x into 4 आ रहा है, यहाँ माइनस साइन 9x into 9 आ रहा है, डेरिवेटिव तो कर दिया फर्स्ट का पर कांस्टेंट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हिंट होती है कि डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और पता होता है कि डेरिवेटिव का एग्जैक्टली उल्टा रेप्लिका, एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव तो क्या करेगा, बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के ब्रेक करेगा, इंटीग्रेशन क्या करेगा ऐड करेगा, रेप्लिका मतलब अगर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें क्या होगा डिवाइड, तो वहां कांस्टेंट से किया था मल्टीप्लाई, यहां करेंगे डिवाइड, कांस्टेंट से डिवाइड, कांस्टेंट से डिवाइड करना ही पड़ता है इसलिए भूलना नहीं कांस्टेंट से डिवाइड, तो यहां कांस्टेंट तुम्हें ढूंढना है, कांस्टेंट से डिवाइड मतलब कांस्टेंट क्या है ओमेगा है, तो ये आ गया डिवाइड में ओमेगा, अभी ओमेगा में लिमिट आने वाली है नहीं क्योंकि टी टी बाय टू की लिमिट है, तो ओमेगा में लिमिट थोड़ी आएगी, ओमेगा ले लो बाहर, अभी भी इस बार भी सिर्फ यही ओमेगा बाहर आ सकता है, वो ऊपर वाला ओमेगा बाहर नहीं आ सकता मेरे भाई, तो यह आ गया अंदर बच गया माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस को भी मान लो मैंने यहां बाहर लिख दिया है, तो यह आ गया कॉस ओमेगा टी और लिमिट आ गई है जीरो से लेके टी बाय टू तक। अब इसके बाद के स्टेप करते हैं, उधर अभी लिखता हूं तुम्हारे लिए क्योंकि मुझे बोर्ड एक ही बोर्ड पे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर स्क्रीन बदल दूंगा तो तुम्हारा दिमाग बहुत कमजोर है भूल जाओगे, इसलिए नहीं बदला स्क्रीन। तो ये आया 2i नॉट बाय ओमेगा टी, आई होप सो सबको लिमिट पुट करने आती हो, लिमिट पुट करने आती होगी, तुम्हारे लिए लिमिट दिखाता हूँ पुट करके, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी के जगह पे आएगा टी बाई टू, तो ये हो गया कॉस ओमेगा ऐसे कॉपी, टी के जगह पे आएगा टी बाई टू, तो ये हो गया ओमेगा टी बाई टू माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है टी के जगह पे आया जीरो, अब जीरो इंटू ओमेगा जीरो कॉस जीरो, बढ़िया। अब इस स्टेप को करते हैं नेक्स्ट पेज पे, काफी है हो जाएगा इतने पेज पे, डन। अभी स्टार्ट करते हैं, सबको पता होगी वी नो दैट अरे पता है टी इज इक्वल्स टू टू पाई बाय ओमेगा, टी इज इक्वल्स टू टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को यहां भेजो, तो ये हो गया ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, वो पाई है एन नहीं, ठीक है, तो ये ओमेगा टी दिख रहा है टू पाई, ये भी क्या टू पाई, तो पुट कर दो, तो ये आ गया आई एवरेज इज इक्वल टू टू आई नॉट डिवाइडेड बाय टू पाई, अंदर ये पुट होगा कॉस टू पाई बाय टू माइनस कॉस जीरो। अब ये आराम से कर सकते हो कि टू टू कट जाएगा, टू टू घर पे, ये टू टू घर पे, तो यहां बच रहा है तुम्हारे पास आई एवरेज और ये बचा है आई नॉट बाय पाई, ठीक है, और ये बच गया है कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। आप सबको बात याद होनी चाहिए कि कॉस जीरो कितना होता है, कॉस पाई क्या होता है, अगर इसको याद नहीं है तो उसके लिए हिंट देख लो यहां पे, हिंट याद कर लो, सर्कल है, सर्कल के एंगल शायद याद होंगे, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री बाई टू टू पाई, अब यहां लिखो प्लस वन, यहां लिखो माइनस वन, यहां जीरो, यहां जीरो, याद हो गया कॉस के सारे वैल्यूज याद हो गए, कॉस जीरो प्लस वन, कॉस पाई बाय टू जीरो, कॉस पाई माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाय टू जीरो, कॉस टू पाई प्लस वन, थ्री पाए माइनस वन, फोर पाए प्लस वन, फाइव पाए माइनस वन, सिक्स पाए प्लस वन, सेवन पाए माइनस वन, एट पाए प्लस वन, आई होप सो याद हो गया है, तो तुम्हारा कॉस पाए होता है माइनस वन, कितना होता है माइनस वन, तो इस चीज को अगर तुम्हें चाहिए ही तो मैं इस चीज को तुम्हें छोटा करके दिखा देता हूं,
कॉस पाई माइनस वन कॉस जीरो प्लस वन पुट कर दो तो ये आया आई एवरेज आई नॉट बाय पाई और अंदर कॉस पाई क्या है माइनस वन, बीच में ऑलरेडी एक माइनस था वो लिखा, कॉस जीरो कितना है वन आ गया, माइनस वन तो ये आएगा माइनस टू कि प्लस टू दिख रहा है ना, कॉस जीरो माइनस वन और ये आएगा माइनस वाला चक्कर, कुछ तो झोल किया है क्या, माइनस साइन बाहर का भूल गए हम लोग लिखना, ये माइनस साइन बाहर का, ये माइनस साइन बाहर का, ये जो ब्लू वाला कट किया गया इसको थोड़ा गायब करता हूँ, ये तुम्हारा माइनस साइन यहाँ पे और यहाँ पे, ये माइनस साइन ये माइनस साइन ठीक है, तो ये माइनस साइन आएगा जरूर, तो ये टू भी कटेगा ना, टू काटा था मैंने, टू काटा था तो ये टू कट गया ठीक है, माइनस साइन बाहर आया ठीक है, तो ये आ गया है आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय पाई इक्वल्स टू माइनस टू, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया आई एवरेज इज इक्वल्स टू टू आई नॉट बाय पाई, क्या आ गया है टू आई नॉट बाय पाई, तो मेरा टू बचपन से पता है टू कितना होता है, कितना होता है टू टू है, मेरे लिए भी टू है तुम्हारे लिए भी टू है, पाई कितना है, पाई भी तो कॉन्स्टेंट है 3.142, तो 2/3.142 सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या मिलेगा चेक करो, 2/पाई जब सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा, वो होगा नंबर 0.637, याद रख लोगे तो आसान रहेगा, अब बस पुट कर दो इसको, अब बस पुट कर दो, पुट कैसे देखो हमें पुट कैसे करोगे, तुम्हारी मर्जी पुट करने की, पुट देखो कैसे करना तुम्हारे हाथ में, वो मैं देखो यहां दिखाता हूं पुट करके, यहां करता हूं मैं चाहता हूं कि एक ही बोर्ड पे रहे ना, इसलिए उसको नहीं बदल रहा, अगर स्मॉल करना स्मॉल कर देता हूं तुम्हारे लिए, ये हो गया स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल, डन, ये आ गया लाइन यहां पे, अब मैं यहां कर सकता हूं तुम्हारे लिए, देखो पुट कर दो 2/2 कितना 0.637, यह आ गया आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स आई नॉट, ये तुम्हारा आ गया है फॉर्मूला आई एवरेज का, सवाल यह है कि कौन सा करंट बड़ा है आई एवरेज या आई नॉट, फॉर्मूला देख के बताओ कि कौन सा करंट बड़ा है आई एवरेज या आई नॉट, अगर किस किस को अगर आई एवरेज लग रहा है तो वो सही है, मैथ्स का देख के अगर सोच रहा है तो वो गलत है, क्योंकि यार देख तू सोच रहा है कि मल्टीप्लाई में है इसलिए आई एवरेज बड़ा होगा, पर ध्यान से वहां देखो मेरे भाई 0.6 है, अगर वहां 2 लिखा होता 1 लिखा होता 1.5 लिखा होता तो बोलता कि यार वो आई एवरेज बड़ा हो सकता है, पर 0.6 को मार गोली मान ले कि 0.5 है, ये 0.5 टाइम्स आई नॉट, इसका मतलब पता है क्या है, 0.5 मतलब होता है हाफ, तो ये आएगा तुम्हारा आई नॉट बाय टू, वन बाय टू होता है 0.5, आई एवरेज इज आई नॉट बाय टू, इसका मतलब आई एवरेज क्या हो गया छोटा, वो आई नॉट का आधा है, इसलिए कभी भी आई एवरेज बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो 0.637 है, टू होता ये टू होता होता डबल हो गया है, आई एवरेज डबल है तो डबल में तो ज्यादा होता है, पर यार ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमेशा बड़ा क्या रहेगा आई नॉट ही रहेगा, आई एवरेज होना पॉसिबल नहीं है, निकाल लो इन परसेंटेज निकालो तुम्हें डाउट ही नहीं आएगा, इन परसेंटेज निकालो तो ये आ गया आई एवरेज इज 0. मल्टीप्लाई करो 100 से ना, परसेंटेज में कहा ना मल्टीप्लाई करो 100 से इसको, तो ये आएगा 63.7% ऑफ आई नॉट, ये तुम्हारा हो गया मीन का डेरिवेशन यहां खत्म, 3 से लेके 2 मार्क्स तुम्हारे यहां बनते हैं समझे, तो ये चीज तुम्हारी यहां तक हो चुकी है, अब तुम्हारा इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा तुम्हारा आरएमएस, आरएमएस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आई होप सो स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है, माइक रह गया था, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आरएमएस वाला पार्ट करते हैं, आरएमएस वाला पार्ट बाकी है तो एक बात निपटा देते हैं उस चीज को, सॉरी बच्चों चलिए यार जल्दी स्टार्ट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट की बात खत्म हो गई है, अब बचता है सिर्फ और सिर्फ आरएमएस।
आरएमएस वाला पार्ट निपटा देंगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि आरएमएस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएमएस का कंसेप्ट थोड़ा अजीब लगता है बच्चों को सुनने में। इसका होता है रूट मीन अंत स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसको ही बोलते हैं आरएमएस, और ये तुम्हारा करंट रहेगा, आरएमएस करंट। आई होप सो सारी बातें दिखाता हूं अभी मैं, आरएमएस क्या होता है। अब सवाल मैंने बच्चे पूछ रहे हैं, सर आपने कहा था कि सर्किट में करंट अगर नहीं दिख रहा है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तुम लोग आरएमएस यूज कर रहे हैं, अब तो मेरे पास बताने, सॉरी एवरेज यूज कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, एवरेज यूज कर रहे हैं, तो अभी सर्किट में बताने के लिए एवरेज बता दूंगा तो आरएमएस क्यों निकाल रहा हूँ। आरएमएस निकालने का मेन रीजन ये है कि एक स्टैंडर्ड, सर मतलब क्या, फिक्स चीज, इसको बदलना पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स चीज है, ये फिक्स रहेगी हमेशा के लिए। मैंने कहा था ना 220 वोल्ट का सप्लाई, मेरे भाई वो आरएमएस है, जो घर पे तेरे घर पे जो आ रहा है 220 वोल्ट का सप्लाई, वो तुम्हारा आरएमएस है। तो आरएमएस निकालते कैसे वो देखना पड़ेगा पहले। ये क्या टाइप हो गया, चल मत वाली ये एक रेजिस्टेंट, ये एक सोर्स, सोर्स थोड़ा सा अजीब बनाता हूँ, सोर्स थोड़ा सा बना देता हूँ एसी सोर्स, ये तुम्हारा ये सोर्स है, सोर्स उसका एसी का, क्या सोर्स है एसी का, कैसे बनाते हैं, गोला बना दो, बीच में सांप डाल दो, ये सांप तुम्हारा रहेगा, एसी का सोर्स रहेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा आर है, ठीक है, अब ये एसी का सोर्स है, एसी का सोर्स, हाँ ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, और यहाँ यहाँ डीसी का बनाना चाहिए था, एसी का बात है, बनाता हूँ यहाँ डीसी का बनाता हूँ, दिखा तो दिया दिखता कैसे, तो ये आएगा तुम्हारा डीसी का सोर्स, ठीक है, ये डीसी का है, वो एसी का है, तो मैंने इसी डायग्राम को सेम कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके यहाँ छाप लेना है, छाप लिए, थोड़ा सा ऊपर छाप लेता हूँ, चल यार कहीं नहीं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस ये आ गया। अब इसका सोर्स गायब करना है, सोर्स यहाँ आएगा एसी, ये एसी आएगा, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि आखिर इसका काम क्या है, कि इतना बड़ा आरएमएस का सीन क्या है। तुमने नोटिस किया होगा कि मैं रेजिस्टेंस को बदला नहीं है, रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, हर चीज सेम है, दोनों की बैटरी अलग है, दोनों की बैटरी अलग है। अब सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस का मेन काम है वो है हीट बनाना, हीट बनाना, पढ़ते हैं क्या सीन। अभी तुम्हारे पास दो टाइप करंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है डायरेक्ट करंट, एक दिख रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अब बात करते हैं किसकी, अगर मान लो तुम्हारे पास एक डायरेक्ट करंट है, ठीक है, डायरेक्ट करंट है, अब डायरेक्ट करंट मतलब मान लेता हूँ कि करंट तुम्हारे पास कुछ तो करंट है, मैंने टाइम सेट किया है, और टाइम सेट किया गया है 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट के, 10 मिनट के वक्त में, 10 मिनट के वक्त में कॉन्स्टेंट करंट के साथ, कॉन्स्टेंट करंट के साथ ये रेजिस्टेंस, 10 मिनट के वक्त में कॉन्स्टेंट करंट के साथ ये रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंट करंट क्योंकि बैटरी डीसी है, कॉन्स्टेंट करंट के साथ ये रेजिस्टेंस 10 जूल की हीट बना रहा है, 10 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट करंट के साथ 10 मिनट में ये रेजिस्टेंस 10 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी टाइम 10 मिनट ही है, टाइम 10 मिनट ही है, पर अल्टरनेटिंग करंट के साथ या वेरिएबल करंट के साथ, अल्टरनेटिंग करंट या वेरिएबल करंट के साथ अगर ये रेजिस्टेंस भी, ये रेजिस्टेंस भी 10 मिनट में 10 जूल की हीट अगर प्रोड्यूस करेगा, 10 जूल की हीट अगर प्रोड्यूस करेगा, तो जो करंट डीसी बैटरी में फ्लो हो रहा होगा उसी करंट को बोल दूंगा कि ये आरएमएस करंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कितना करंट है मुझे नहीं पता, और एक बार रिपीट करता हूं, अगर मान लो कि 2 एम्पियर करंट के साथ 10 मिनट में 10 जूल की हीट बना रहा है, 2 एम्पियर करंट के साथ 10 मिनट में 10 जूल की हीट अगर बना रहा है, अगर वो भी ये रेजिस्टेंस भी, करंट कितना है मुझे नहीं पता, पर 10 मिनट में अगर ये भी रेजिस्टेंस 10 जूल की हीट बना रहा है, तो उस 2 एम्पियर को ही मैं आरएमएस बोल दूंगा। आई होप सो बात समझ गई है, टाइम सेम, हीट अगर सेम रहेगी तो जो करंट डीसी बैटरी में फ्लो होगा वही करंट मैं आरएमएस मान लूंगा। सवाल, आई होप सो बात पल्ले पड़ गई है। चले यार,
डीसी बैटरी प्रोड्यूस सम हीट, सम हीट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डीसी बैटरी लिखता हूं थोड़ा सा, अरे गायब नहीं करना चाहता, रेजिस्टेंस ऑफ डीसी बैटरी थोड़ा सा सरका देता हूं ना आगे, तो ये लाइन थोड़ा सरका देता हूं आगे। चल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी बैटरी, रेजिस्टेंस ऑफ डीसी बैटरी प्रोड्यूस सम हीट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ एसी बैटरी प्रोड्यूस सेम हीट इन इक्वल टाइम ऑफ डीसी, देन करंट इन डीसी सर्किट इज कॉल्ड आरएमएस करंट। नॉर्मल सा थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया, इतना सा एक्सप्लेन कर दो और शुरू कर देते हैं खेल। इसके बाद जो भी करोगे वो तुम्हारा फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। आरएमएस करंट का दिखा तो दिया क्या क्या आरएमएस करंट है क्या, पर उसको अगर एक्सप्लेन करना है, फॉर्मूला प्रूफ करना है, तब तुम्हारा अटक जाओगे ना। तो प्रूफ सिखाता हूं, प्रूफ देख लो। ठीक, प्रूफ देख लो, करते हैं प्रूफ। प्रूफ करते हैं। मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने जो कहा ना तुम्हें फॉर्मूला क्या चाहिए, फॉर्मूले को जस्ट पकड़ो, जस्ट पकड़ो, स्टेप वाइज जाओ, जस्ट पकड़ो, ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएगा। ना तो देखो वैसे, अरे रूट मीन स्क्वायर, उल्टाओ स्क्वायर, स्क्वायर किसका, करंट का, तो ये कर दिया स्क्वायर करंट का स्क्वायर, तो ये आ गया करंट का स्क्वायर। ये करंट का स्क्वायर से खुद करने बोला है क्योंकि मुझे करंट ही निकालना है, मैं करंट का स्क्वायर किया, ठीक है। अगर याद करो उल्टा पढ़ो, करंट फिर स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मीन, और मीन का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो ये कर दिया जीरो से लेके टी तक, है ना, और इसके बाद डाल दिया डीटी। अब सवाल किसने पूछा नहीं चाहिए, सर जीरो से टी क्यों कर रहे हो, टी बाय टू क्यों नहीं कर रहे, टी बाय टू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस बार स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं, और स्क्वायर का आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही होता है, तो मीन नेगेटिव होने वाला ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन है, हाँ है ना, एडिशन है, डिवाइडेड बाय टी, करंट स्क्वायर मीन हो गया, बचता का लास्ट में रूट। और रूट का मीनिंग सबको पता होता है कि रूट का मतलब क्या होता है, देखो खुद पढ़ के बताओ। हाफ, अरे हाफ का मतलब क्या, रूट ही तो होता है, तो ये हो गया मेरा फिजिक्स खत्म, अब क्या पूरा खेल, मैथ्स करे स्टार्ट। आई होप सो वो अगर समझ गया है तो ये भी हलवा है मेरे भाई, देख ले। आरएमएस पहले ही ब्रैकेट डालना नहीं भूलना क्योंकि तुम्हारे पास हाफ आखिर तक रहेगा, तो ये वन बाय टी को मैंने लिख दिया कोने में, उसके अंदर ही लिखा है, साथ में लिखा, उल्टा नहीं किया है, सीधा ही रखा है, तो ये आ गया जीरो से लेके टी तक, अंदर है आई स्क्वायर डी टी, और ब्रैकेट क्लोज, और पावर आ गई हाफ। इसके बाद के स्टेप करने जाते हैं, तो थोड़ा सा पहले लाइन मार के रखता हूं, चलो अभी यह आ गया आई आर एम एस। अब आई की वैल्यू तुम्हें पता है ना, अरे आई की तुम्हें पता होती है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी। सबको ये बात पता होती है कि ये करंट है अपना। डन। आरएमएस किसी ने कहा था कलरफुल चाहिए तो कलरफुल बाद में, वाइट ही कर। तो ये लिख दिया पावर वाला हाफ, ये आया वन बाई टी, आई का स्क्वायर करना है तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी का। आई की वैल्यू तो पुट कर दो पहले, आई की वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये तुम्हारा डी टी, ब्रैकेट क्लोज, पावर तुम्हारा हाफ। डन। थोड़ा पॉइंटर छोटा कर लेता हूं बस। अभी क्या करना है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसमें से आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, पर बाहर निकलना तो ले ले बाहर, ले ले सिर्फ और सिर्फ आई नॉट लेना, वो भी रूट के बाहर नहीं, पावर ब्रैकेट के बाहर नहीं, इंटीग्रेशन के बाहर। तो यह आएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टी, ठीक है, इसके बाद जीरो से लेके टी तक, और ये तुम्हारा बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये डी टी, ब्रैकेट डाल दिया, पावर डाल दी हाफ। यहां तक आराम से हो गया। इसके बाद के स्टेप सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता ही नहीं है, डेरिवेटिव पॉसिबल है, डेरिवेटिव सीखते हो ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का और एक बार माइनस साइन थीटा। ये काम किया है मेरे भाई, ये काम तो किया, सबने किया है ना, टू को आगे लेके आते हैं, टू की वैल्यू कम कर देते हैं, ये किया, काम किया है। डेरिवेटिव में करते हो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पर वो यहां नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो होता नहीं है तो यहां इस्तेमाल करनी पड़ेगी आइडेंटिटी। क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद होगा, बस मुझे साइंस को थोड़ा चाहिए, टू से काम नहीं था तो टू कहां भेजा, नीचे। दिल की खता भी है क्या, देखो हो गया डन। अब थीड़ा कितना, ओमेगा टी तो पुट कर दो, जहां थीड़ा ओमेगा टी पुट कर दो ना, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी तुम्हें मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहां मिल गया, यह हो गया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू। अब छाप लो, चिपका दो, तो यह आ गया आई आर एम एस, पहले ब्रैकेट, फिर यह आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन तो सॉल्व अब तक हुआ नहीं है, पर आई नॉट स्क्वायर बाय टी बाहर था, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्लेस होगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा बाय टू से, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू इंटू तुम्हारा डी टी, और ये पावर ब्रैकेट डाल के हाफ, ठीक है। अभी इसमें से इस टू का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट ले लो बाहर, गलती से भी सोचना सर हाफ वन बाय टू ले लूंगे, वन बाय टू नहीं निकल सकता यार, टू दोनों को देना पड़ेगा, टू देगा आखिर वही बनेगा, तो पॉसिबल नहीं होगा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, सिर्फ टू बाहर आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी हो गया बाहर, ये जीरो से लेके टी तक, और अंदर बच गया है वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, और ये तुम्हारा डी टी, ब्रैकेट क्लोज, और पावर आएगा हाफ। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो होता है, पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो नहीं होता, होता है वेरिएबल इंटू एक्स, वेरिएबल इंटू एक्स, दिख रहा ना, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स लिखते हो ना, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स लिखना। अब उसका देखो वेरिएबल क्या है, अगर डी टी अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, वन इंटू डी टी क्या बनेगा, डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होता है, जेड। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा वन का, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, टी है, यह आएगा आई आर एम एस, यह आया तुम्हारे पास आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी, अब यह आ गया जीरो से लेके टी तक का इंटीग्रेशन, तो सॉल्व करने वाला हूं तो ये ब्रैकेट आएगा, और ये ब्रैकेट आ गया, अब वन का इंटीग्रेशन आ गया टी, कॉस टू को ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, कॉस का सोचते हैं माइनस साइन होगा तो इसको प्लस कर देते हैं, नहीं होगा,
कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होता है, साइन टू ओमेगा टी लिमिट जीरो से लेके टी तक बड़ा ब्रैकेट क्लोज पावर हाफ डीटी का इंटीग्रेशन करके खत्म कर दिया है। डीटी का इंटीग्रेशन खत्म हो गया करके अब उसको करने की जरूरत है नहीं, डीटी का इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं अपने को, कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद जो मेन खेल शुरू करेंगे, देखो यहां तक काम हो गया। अभी एक स्टेप फिर से बच्चे भूल गए यहाँ पे, उस स्टेप पे ध्यान दो, कहा था कॉन्स्टेंट से डिवाइड, तो इस स्टेप पे ध्यान कौन देगा, मैं कि तुम? तो ध्यान क्या कहा था, में क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट से डिवाइड, याद आया ना, कॉन्स्टेंट से डिवाइड। तो यहां कॉन्स्टेंट क्या है पहचानो, खुद पहचानो, दिख रहा है ना टू ओमेगा, एक मिस्टेक वजह से अभी तुरंत हुई, सबके दिमाग में सिर्फ ओमेगा आया था, टू कौन है, टू तो कॉन्स्टेंट है, उसको लिखना पड़ेगा। अभी लिमिट डालनी पड़ेगी, अब लिमिट डालने से दिमाग पूरा लगाओगे, लिमिट कैसे डालोगे, तुम्हारे हाथ में हो, दो तरीके होते हैं लिमिट डालने के, एक तो टी और जीरो दोनों पुट करो, साथ में पुट करो, पहले टी दोनों में पुट करो फिर जीरो दोनों में पुट करो, ये रास्ता ये होता है। सेकंड रास्ता क्या है यार, टी पहले ऐसे पुट करूंगा फिर यही जीरो इसमें पुट करूंगा फिर ये टी इसमें फिर ये जीरो इसमें, अलग अलग, एक कंबाइन एक अलग अलग, हम लोग क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, तो ये लिखा आई आर एम एस, अलग अलग करता हूं, तो ये आया आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी आया, अभी लिमिट डाल रहा हूं तो ये टी ये जीरो इसमें डाल रहा हूं, ये टी जीरो इसमें डाल रहा हूं, तो ये आ गया टी के जगह कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो एक काम खत्म खत्म। उसके बाद माइनस साइन तो यहां था ही, अब ये वन अपॉन टू ओमेगा में लिमिट आने वाली है नहीं, तो लिख लिया कोने में, वन अपॉन टू ओमेगा में लिमिट आने वाली है नहीं, तो क्यों रखो उसको वहां पे, उसको रख लिया कोने में, ठीक है उसको रख दिया कोने में। अभी क्योंकि वहां पे टी यहां है ना, तो वहां की लिमिट आएगी, वहां आएगी नहीं, तो रखा उसको कोने में। अब डालते हैं इस टी के जगह पे कैपिटल टी, ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट क्या है जीरो, तो ये आएगा साइन टी इंटू टू जीरो इंटू टू ओमेगा जीरो, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये तुम्हारा मेन ब्रैकेट और पावर हाफ, देख लो थोड़ा स्मॉल करना तो स्मॉल कर सकते हैं, ये लो बस, ठीक है इससे स्मॉल स्मॉल हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है पावर हाफ थोड़ा बड़ा लेके दिखा दूंगा अभी, ये ले लो, ये आ गई पावर तुम्हारी हाफ और ये ब्रैकेट खत्म, ठीक है अभी क्या ही बचता है, अब तो तुम्हारा देखो ध्यान से नोटिस को दिखा रहा आंसर क्या आएगा, ओमेगा टी टू पाई, याद आया 2 into 2 pi, 4 pi, sin 4 pi, 0, sin 0, 0, पूरा 0, 0 into 1 upon 2 omega, 0, ये t, पूरा खत्म, बचा क्या, I not square by 2, root के अंदर, I not square का root, I not 2 का root, root 2, क्या answer, I not by root 2, अब देखो आराम से करो, ये आ गया IRMS, सारी term गायब हो गई, ये IRMS, ये आ गया I not square by 2t, ये इनटू सेफ्टी माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, एक काम करता है तुम्हारे लिए लिख के दिखा देता हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा टी तुम्हारा बनेगा टू पाई, तो ये आईआरएमएस कॉपी करने से पहले ही करता हूं, तो ये होगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी, टी माइनस जीरो बचेगा टी माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, ये होगा साइन फोर पाई, समझ आना टू पाई टू फोर पाई माइनस साइन जीरो, ये चीज खत्म, ब्रैकेट आ गया पावर हाफ, अब चिपका दो साइन फोर पाई कितना होता है जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, साइन 180 360 सब 180 के बाद सारे सारे जीरो ही होते हैं, ठीक है वो अब पुट कर दो, तो देखो क्या बनेगा आंसर में, ये आ गया, अरे मैं गाई गाय बटन बंद कर दे रहा हूँ, देखो टीवी का बटन बंद कर देता हूँ, ये आ गया आई आर एम एस, आई होप सो थोड़ा बड़ा लग रहा है पर यार मेरे भाई हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये टीटी कट गया, टीटी घर पे ये टी कट जाएगा अभी, तो यहाँ बचा क्या, देखो तुम्हारे लिए बस यहाँ बचा क्या है आई नॉट स्क्वायर बाय टू बचा है, और ये माइनस वन अपॉन टू ओमेगा इंटू साइन फोर पाई जीरो, जीरो माइनस जीरो पूरा गया पावर आ गई हाफ, तो ये भी गया, बचा क्या है आई नॉट स्क्वायर बाय टू, क्या बचा है आई नॉट स्क्वायर बाय टू, लास्ट में करता हूं, लास्ट में करो, देखो क्या बचा है, ये आई आर एम एस आ गया, ये ब्रैकेट आ गया
अंदर बचने वाला है आई नॉट स्क्वायर बाई टू। अब यहां जो बचा है ये पूरा गया है, वन अपॉन टू मेगा टू जीरो पूरा गया है, तो बचा क्या रखो उस तरफ, अगर करके दिखा तो करके दिखा देता हूं, वन अपॉन टू मेगा इंटू जीरो पावर हाफ। अभी आई आर एम एस लिखो और ये आया आई नॉट स्क्वायर बाय टू माइनस, पूरा टर्म गया वो लिखूं क्यों, गायब कर देता हूं, पावर आगे हाफ चिपका दो पावर। हाफ का मतलब क्या है मेरे भाई, रूट होता है हाफ का मतलब, तो लिख दे रूट के अंदर ये आया आई नॉट स्क्वायर बाय टू। अब स्क्वायर रूट निकालने आता ही है, आई नॉट स्क्वायर का रूट तो बनेगा आई नॉट, टू का रूट बनेगा रूट टू। अब तुम्हें रूट टू की वैल्यू पता होती है 1.414, रूट टू कितना होता है 1.414, देन 1/√2 इसको भी याद कर लो, 1/√2 याद कर लो, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 1/√2 होता है 0.707, तो यहां पुट कर दो तो ये तुम्हारा आई आर एम एस जो बनेगा वो बनेगा 0.707 टाइम्स आई नॉट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज आई आर एम एस मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। ये कहानी खत्म। अब मैं पूछा था कि कौन सा करंट बढ़ा है आई नॉट की आई आर एम एस, सब लोग वही बोलेंगे सर आई नॉट ही होगा क्योंकि ये भी तो 0.707 है ना। तो ये तुम्हारा आर एम एस का लास्ट आंसर है, यही तुम्हारा आर एम एस का फाइनल आंसर यही है आर एम एस का। आई होप सो सारी कहानी आर एम एस समझ में आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना बाकी था तुम्हारा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हर चीज बहुत लिखी है। अगर कोई चीज छोटी लग रही है तो थोड़ा जूम करके देखना, दिखेगी जरूर, वो चीज वहीं रहेगी, कहीं कहीं नहीं होगी। तो ये आएगा ओमेगा टी और ये तुम्हारा डी टी, ठीक है, पूरा दिखा सिस्टमेटिक एक ही स्क्रीन पे। और ये लास्ट वाला तुम्हारा ये वाला। तो यहां से अगर कोई हिंट दूं याद करने के लिए, हिंट दूं ऐसे हिंट हिंट, अगर एग्जाम में याद नहीं आया तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके बाद तुम्हारा खेल शुरू हुआ था ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दिख रहा है, जीरो से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो लिखता हूं जीरो से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी, इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया था, अगर ध्यान से समझो आंसर क्या आया था, तो इसने मुझे डिवाइड में टू दिया है, टू था नहीं, डिवाइड में टू दिया है, और ये टी भी इसने ही दिया है क्योंकि एट देन लास्ट में सिर्फ टी बच रहा, देखो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ टी बच रहा था, बाकी सब तो जीरो हो जा रहा है, तो मेरे पास पहले भी था, देख रहा ना मेरे पास पहले भी था, बस ये टी और टू नया आया, बाकी आई नॉट स्क्वायर टू मेरे पास था ही, बस ये टी नया आया और ये टू नया आया, आई नॉट स्क्वायर और टी बाहर मेरे पास था, एक डिवाइड मल्टीप्लाई का टी और एक टू का टू डिवाइड का नया आया, बाकी सब कुछ सेम ही था। इसका आंसर क्या है पता है, टी बाई टू। अगर कोई नीट वाला बच्चा है जिसका मैथ्स है ही नहीं, उसको अगर सर इतना बड़ा कैसे करें 3 मार्क्स के लिए, मुझे तो याद होगा नहीं, मुश्किल लग रहा है, पर मैंने मेरा बेस्ट देखे बादल बना बना के हर चीज में दिखाई है, आई होप सो तुझे आ गया हो। अगर बाई चांस तू भूल गया, आप भूल गए, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन टी बाई टू लिख के दिखा देना, वो खुशी खुशी कर देगा। अगर तुम खुद देखो तुम्हारे पास आई नॉट स्क्वायर बाय, यहां तुम्हारे पास सिर्फ टी बाहर था और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में था ऐसे, है ना, हाफ में था। अब आई नॉट स्क्वायर में लिख के दिखा रहा हूं, बस आई नॉट स्क्वायर टी आया है ना, अब ये पूरा ब्रैकेट है इनटू इसका आंसर आया टी बाई टू पावर हाफ बाहर, टी टी गया, क्या आया आई नॉट स्क्वायर बाई टू आया सिर्फ, इसका रूट निकाल दो तो ये आएगा आई नॉट और ये हो जाएगा रूट टू, यही आंसर है। तो इससे भी करोगे तो भी एट द एंड वही बात है, कुछ नई बात होने वाली नहीं है, आई होप सो तुम्हें बात समझ की होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का आंसर तुम्हारा होता है टी बाई टू। इतनी हिंट याद रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। अब इस लेक्चर को शायद से यहीं हमें खत्म करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें कवर करा दी हैं। आई होप सो तुम्हें एक एक चीज समझ में आ गई हो, जिस भी चीज में डाउट रहा वो चीज तुम पूछ सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर, समझे, तो चीज कर लेंगे जरूर। अब इस चीज में जो आज का किया है उसका जरा क्विक रिवीजन लेना बनता है शायद से, तो क्विक रिवीजन लेते हैं, टेंशन ले लो।
आते ही पहले एसी का इंट्रो दिया था, वो तुम्हारा एसी का इंट्रो सामने है। इस करंट का 5 फायदे सिखाए थे कि सस्ता है, एसी को डीसी करने के लिए मेरे पास रेक्टिफायर है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई करंट लो करंट करने के लिए ट्रांसफार्मर है, इसकी हीट लॉस नेग्लिजिबल है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। इसे करते करते तुम्हारे पास 5 से 6 बनते हैं, ठीक है, इतना है। उसके बाद एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया था, साइन में करो कॉस में करो, एट द एंड सेम ही है, पर रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट तुम्हारा होता है मैक्सिमम करंट, आई तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट, ओमेगा टी कॉल्स फेज, पूरा ओमेगा टी क्या होता है फेज, एंड सिंगल ओमेगा कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो आई लिखा गया है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और टी तुम्हारा होता है इंस्टेंटेनियस टाइम। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T याद करना ही पड़ेगा। रहा सवाल इसके बाद मीन का, ये टॉपिक्स है, इसके बाद जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा ये रहेगा, ये है मीन। सबसे आसान तुम्हें मीन लग रहा है, अगर मीन हो गया है तुम्हारा आरएमएस भी बनी जाएगा। मीन फॉर फुल साइकिल 0 आया था, पूरा साइकिल के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर भी हो जाता है उसमें, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसके निकालते हैं सिर्फ हाफ साइकिल के निकालते हैं, और बहुत इजी तरीके से किया है, ऐड T/2 का T/2 का उल्टा 2/T, I का इंटीग्रेशन I नॉट sin omega t लिख दिया, I नॉट कांस्टेंट बाहर गया, sin omega t का इंटीग्रेशन cos omega t with sin negative लिख दिया, माइनस साइन भी बाहर आ गया, देखो माइनस साइन ये बाहर है, माइनस साइन बाहर है, t की वैल्यू पुट कर दी T/2, माइनस टू लोअर लिमिट 0, अब ओमेगा टी होता है 2π, लिख दिया 2π, 2 कट गया, माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर है, cos π माइनस 1, cos 0 1, तो ये हो गया माइनस 2, और ये प्लस माइनस 1 हो गया प्लस 2, ठीक है। अब 2π क्या होगा 0.637 लिख के छोड़ दिया। सेम काम किया आरएमएस के साथ, आरएमएस का क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक डीसी का एक एसी का है, और डीसी का रेजिस्टेंस 2 मिनट में मतलब 10 मिनट में 2 एम्पीयर करंट के साथ 10 जूल की हीट बना रहा है, पर एसी का करंट बदलते हुए करंट के साथ 10 मिनट में 10 जूल की हीट बना रहा है, तो जो करंट डीसी में फ्लो होगा वही करंट एसी में रहेगा। वही देखा था, उल्टा आए थे, करंट का स्क्वायर फिर रूट, दिख रहा है स्क्वायर फिर करंट फिर मीन उसके बाद रूट, रूट का क्या है पावर। सॉल्व किया 1/2 कोने में, आई की वैल्यू पुट कर दी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता नहीं था तो लिया आइडेंटिटी, तो इसका लिखा इंटीग्रेशन, तो 2 भी आ गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन होगा डीटी सॉरी टी होगा cos ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, कांस्टेंट से भूलना नहीं, कांस्टेंट से डिवाइड ये करना चीज भूलना नहीं, कांस्टेंट से डिवाइड ये नहीं भूलना, कांस्टेंट से डिवाइड ये चीज लिखी है, इसके बाद डिवाइड कर दिया, फिर लिमिट डालने की बारी आई तो लिमिट अलग अलग पुट किया, इसमें टी इसमें 0 पुट कर दिया, इसमें टी इसमें 0 पुट कर दिया, फिर 2 ओमेगा बाहर लिया था, ठीक है, ओमेगा टी 2π, 2π की वैल्यू पुट कर दी, sin 2π होता है sin 4π, 2π 2 कितना 4π, 4π 0, sin 0 भी 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा आखिर एट द एंड, और 1/2 ओमेगा भी 0, टी माइनस 0 टी बचेगा, टीटी भी कट जाएगा, एट द एंड पूरा टर्म आएगा रूट के अंदर, तो सॉल्व कर दोगे तो इसका रूट हो जाएगा आई नॉट, रूट 2 का हो जाएगा रूट 2, 1/√2 होता है 0.707, परसेंटेज में कर दिया 70.7, समझ गए। वोल्टेज बोला गया तो हर जगह जहां जहां आई लिखा गया वहां वहां ई आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए, इसी तरह से लेक्चर देखते रहो, और तुम्हारे एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है तो पढ़ाई करते रहो, बी प्रिपेयर, खुद पे भरोसा रखो, हर चीज आराम से हो जाएगी, डरने की कोई बात ही नहीं, समझे। चलो तबियत संभालो, मिलते हैं, शुक्रिया, और तो कमेंट कर देना यार कुछ डाउट रहा तो, बस शुक्रिया।